दिसंबर 2020 को जैसे ही उज्जैन के लोगों ने सुबह के अखबार को पढ़ा, उन्होंने चैन की सांस ली, क्योंकि अखबार के पहले ही पन्ने पर यह खबर छपी थी कि 20 साल के गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप को 37 बार चाकू कर मौत के घाट उतार दिया गया है। दुर्लभ कश्यप ये वो नाम था जिसने होश संभालने की उम्र में अपने सपनों को पूरा करने के लिए जुर्म की दुनिया को अपना लिया था। उसने क्राइम को अंजाम देने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया और अपने ही जैसे कई नाबालिगों को गैंग में शामिल करके बहुत ही कम टाइम पे पूरे मध्य प्रदेश में अपना लोहा मनवाने लगा था। लंबे बाल, माथे पर महाकाल का टीका और गले में काला गमछा, इसी लुक के साथ दुर्लभ और उसका गैंग पूरे मध्य प्रदेश में अपराध फैला रहे थे। दुर्लभ ने अपने गैंग में नाबालिगों की भर्ती इसलिए की क्योंकि वो जानता था कि इंडिया में नाबालिगों को ज्यादा सख्त सजा नहीं दी जाती है। कुछ ही महीनों में इस गैंग की हिम्मत इतनी बढ़ गई थी कि ये लोग सीधे सीधे ऑनलाइन पोस्ट कर देते थे कि चाहे किसी भी तरह का विवाद हो या कोई और लफड़ा, हमसे संपर्क करें, हम सब निपटा देते हैं। इसके अलावा ये गैंग अपना खौफ और नए बच्चों को इन्फ्लुएंस करने के लिए हथियारों के साथ फोटो अपलोड करते थे। कहने को तो ये नाबालिग थे लेकिन कम उम्र में भी इन लोगों ने बड़े से बड़ा नशा किया है। लेकिन दुर्लभ ने एक बड़ा ही अजीब नियम बना रखा था। उसने अपने गैंग मेंबर्स को कह रखा था कि चाहे जो हो जाए, अपराध करते समय कोई भी किसी भी तरह का नशा नहीं करेगा। धीरे धीरे ये गैंग और इनकी हिम्मत दोनों ही बढ़ती गई और इन लोगों ने ऑनलाइन पोस्ट करके लोगों को धमकाना शुरू कर दिया था, जिसके बाद ये गैंग मध्य प्रदेश पुलिस की नजर में चढ़नी शुरू हो जाती है और ऑनलाइन अपराध फैलाने के जुर्म में इस गैंग के कई मेंबर्स को गिरफ्तार कर लिया जाता है और छानबीन करने के बाद उन नाबालिग गैंग मेंबर्स के ऊपर किडनैप, हत्या और धमकाने का मुकदमा दर्ज किया जाता है। हालांकि दुर्लभ इस बार बच जाता है। अपने गैंग मेंबर्स की गिरफ्तारी से बौखलाए दुर्लभ ने अब गुस्से में ऑनलाइन अपना नंबर डालना शुरू कर दिया था और पोस्ट में ये लिखना शुरू कर दिया था कि किसी भी तरह का विवाद होने पर इस नंबर पर संपर्क करें, हम सब निपटा लेंगे। अब ये ग्रुप रात में लोगों को लूटने से लेकर किसी को मौत की नींद सुलाने तक का काम कर रहा था। फिर साल 2018 में इसकी खबर उज्जैन के एसपी सचिन अतुलकर को लगी और उन्होंने 2018 में तत्काल एक्शन लेते हुए दुर्लभ के कई गैंग मेंबर्स के साथ पहली बार दुर्लभ को गिरफ्तार किया। दुर्लभ के नाबालिग होने की वजह से उसे इंदौर भेज दिया गया और उसी जेल में वो बालिग भी हुआ, जिसके बाद पुलिस ने उसे बालिग जेल में भेज दिया जहां वो एक साल तक जेल में ही बंद रहा। इसी बीच सचिन अतुलकर जेल दौरे पर गए और दुर्लभ से मिले और उससे कहा कि तुमने उम्र से ज्यादा दुश्मनी पाल रखी है, इसलिए अगर तुम बाहर गए तो कोई ना कोई तुम्हें जरूर मार देगा, इसलिए तुम अभी अंदर ही रहो। और सचिन की बात मानते हुए दुर्लभ ने कई साल तक जमानत नहीं ली और जेल में ही बंद रहा। इसी बीच जब इंडिया में लॉकडाउन लगा तो वो जमानत लेकर इंदौर में ही रहने लगा और लॉकडाउन खत्म होने के बाद वो वापस उज्जैन आ गया और फिर से क्राइम करने लगा। एक बार रात को दुर्लभ अपने दोस्तों के साथ चाय पीने के लिए एक दुकान पर गया हुआ था, जहां पहले से ही उसका दुश्मन शहनवाज और उसका गैंग बैठा हुआ था। थोड़ी ही देर में दोनों गैंग में कहासुनी हो गई और दुर्लभ ने शहनवाज को गोली मारी, जिसके बाद शहनवाज के आदमियों ने दुर्लभ को घेर लिया और उसे चाकू मारने लगे। दुर्लभ को पीटता देखकर उसके दोस्त उसे अकेला छोड़कर वहां से भाग गए और दुर्लभ के दुश्मनों ने उसे 37 चाकू के वार से मौत के घाट उतार दिया। ये थी दुर्लभ कश्यप की दुर्लभ कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।